मेरा हमारा सेना मिठाई के लिए ये गर्म हो चुका है, तो अब इसको ब्रेक करेंगे। अब इसको बेकिंग सोडा, लेमन जूस या टाटली से कर सकते हैं। और ये दूध के अंदर टाटली डालेंगे तकरीबन 10 ग्राम पानी में घोल के, और दूध को इस तरह से चलाते रहेंगे ब्रेक करने के लिए। और दूसरे थोड़ा टाटली का पानी डालेंगे। जो दूध है वो फट चुका है, और ये फटा हुआ दूध को छानने वाला छन्नी पे डालेंगे, जिससे कि इसका पानी अंदर चला जाए और ये छेना है वो मिठाई बनाने के लिए बाहर रहे। ये इस तरह से डाल लेंगे, बंद कर लीजिए। छेना बना पांच से दस मिनट तक हम इसको रगड़ेंगे। और छेना को ब्रेक करने के बाद ये एक किलो शक्कर ले लिया हमने फ्राई पैन में, और इसको गला के चाशनी बना लेंगे। और जैसे ही ये शक्कर गल जाएगा, ये गाढ़ा हो जाएगा, और शक्कर को हम पानी डाल के कुछ देर उबलने देते हैं। दस मिनट तक शक्कर को उबालने के बाद ये चाशनी हमारा तैयार है। इसको और ये इसमें आधी चम्मच चाशनी में मैदा घोल के डाल देंगे, जिससे अच्छे से झाग आए और हमारा मिठाई अच्छे से ऊपर फूल जाए। अभी बनाएंगे हम दिलबहार। छेना दूध का तैयार करने के बाद इसमें सैफ्रॉन कलर डालेंगे एक चुटकी, और इसको मिक्स कर देंगे छेना के साथ। इस तरह से मिक्स कर लेंगे। दिलबहार के लिए छेना तैयार होने के बाद ये इस तरह से हाथ से दबा के, इस तरह से बना के दबा लेंगे और इसको रख लेंगे। ये पहले से हमने बना के रख लिया था दिलबहार। और ये दिलबहार तैयार करने के बाद ये चाशनी हमने तैयार कर लिया है, और ये चाशनी हम निकाल के रख लेंगे ठंडा करने के लिए, जिससे कि दिलबहार जैसे ही बन जाएगा ये ठंडा चाशनी में उसको डालेंगे। और ये चाशनी हमारा गर्म है पूरी तरह से, तो इसमें ये दिलबहार डाल देंगे जो भी हमने बनाया वो डाल देंगे इसके अंदर इस तरह से, इस तरह से सारा दिलबहार इसके अंदर डाल देंगे। ये डालने के बाद इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे, और जैसे ये चाशनी बाहर फेंकने लगे बर्तन से, गैस स्लो कर देंगे और फिर ये चाशनी बैठ जाएगा नीचे, फिर गैस फास्ट कर देंगे। इसी तरह इसको हम 15 मिनट तक पकाएंगे, बीच में चलाते रहेंगे। और ये 15 मिनट तक पकने के बाद
ये जो ठंडा हमने चाशनी निकाल लिया था इसमें डाल देंगे सारा निकाल के, इस तरह से निकाल के ठंडा चाशनी में डाल देंगे। और ये 20 मिनट तक फ्रीज में रखने के बाद दिलवार हम निकाल के इस पे डालेंगे ये पिस्ता, ये पिस्ता इसके ऊपर, सारे दिलबहार के ऊपर पिस्ता डाल लेंगे इस तरह से।